एवरीवन, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी जस्ट सावर लेके आई हूँ और अभी किचन में ही हूँ। तो अभी ये मेरे जो हाथ हैं ये आलू से सने हैं, क्योंकि आलू पराठा बनाने जा रही थी तो सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए कि मैं आलू पराठा कैसे बनाती हूँ। तो और बिंदी अभी मैंने नहीं लगाई है क्योंकि अभी जस्ट सावर लेके आई हूँ और पूजा वगैरह मेरी हो गई है, तो बस अभी स्टार्ट करना है। और ये देखिए ये आलू मैंने मैश करके रखा है, अब इसको मैं बनाती हूँ। तो इसमें मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है, प्याज लहसुन मिर्चा और इस तरह से थोड़ी सी मसाले, थोड़ी सी हल्दी। और आप चाहे तो इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं। एक बार मैं फ्राई करके भी बनाई हूँ तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज सिंपल बना रही हूँ तो इस वजह से, और लेट भी हो गया है नाश्ता करने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू पराठा रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और इस बार मैं सिंपल ही बनाई हूँ और ये मेरा नाश्ता रहा, दही आलू पराठा। और आप इसको क्या कर सकते हैं कि करी पत्ता और थोड़ा सा जो है सरसों के दाने को डाल करके, और आप उसको आलू को पहले कढ़ाई में भून के तब आप उसको आलू को आटे में भर सकते हैं। उससे भी उससे काफ़ी टेस्ट और बढ़ जाता है। और ये मेरी दही है जो मैंने माइक्रोवेव में जमाई थी, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ, क्योंकि आप टी वी यूनिट भी देख रहे हैं कि मैंने कपड़े जो हैं नाइट में फोल्ड किए थे तो वहीं पे मैंने रख दिया है। और बिस्तर जो है, जब मैंने सुबह झाड़ू लगाया तो बिस्तर को बस मैंने झाड़ दिया था टावल से, लेकिन अब इसको अच्छे से मैंने जो तकिया वगैरह जो होता है उसको नहीं रखा था, तो उसको रखना है। और जो कपड़े हैं तो उसको मैं रखूँगी, क्योंकि जब शाम को मैं चाय पीती हूँ तभी जो है कपड़े मैं फोल्ड करके इस तरह से रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में जब भी टाइम मिलता है थोड़ा सा तो उसको मैं रख देती हूँ। और इस तरह से भी साथ साथ काम भी हो जाते हैं और घर भी हमारा जो अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। Thank you.
कबाड़ में जब भी मैं कपड़े रखती हूँ, जब भी मैं जब कपड़े धोती हूँ उसको फोल्ड करके, जब भी मैं कबाड़ में जो सारे कपड़े जब मैं रखती हूँ तो उसको जो है क्या, जो आगे की जो जगह खाली होती है मैं उसमें एक कपड़ा रखती हूँ साइड में, ताकि जब भी मैं कपड़ा जो है जब अच्छे से तह लगा लेती हूँ तो उसमें जो है जो खाली जगह होती है उसको मैं डस्टिंग कर देती हूँ जो होती है। तो इससे जो है मेरी जो कवर्ड है हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है। और आप लोग पूछते रहते हैं कि आपका जो कवर्ड है हमेशा मैनेज रहता है। कपड़ों का सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कवर्ड में रखने का, जितने सदस्य हैं घर में उतने लोगों का जो है आप डिवाइड, जिस तरह से मेरी ऊपर आप देख रहे हैं उस तरह से डिवाइड बना लीजिए और उसी हिसाब से आप अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज करिए, तो आपके जो कवर्ड है कभी मैसी नहीं होगा। और जब कपड़े फोल्ड आप करिए तो उसी हिसाब से कपड़े फोल्ड करिए, जितने लोग के कपड़े हैं उसी हिसाब से चादरें अलग कर लीजिए, कपड़े अलग कर लीजिए। तो इस हिसाब से जो है हम अपने कपड़े जो है कवर्ड में रख सकते हैं और हमेशा के लिए वो मेंटेन रहेगा। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइए। और उसके बाद ये हॉल का जो है बिस्तर, अभी हम लोग बैठे थे तो थोड़ा इधर उधर हो गया था तो उसको थोड़ा सा मैं ठीक कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर थोड़ा आराम करूँगी। और जो स्टैंड है बाहर कपड़े का वो मैंने बाहर डाल दिया है। और ये कुछ कपड़े हैं जो तो मुझे भी लगाने हैं, देखती हूँ या तो फिर शाम को लगाऊंगी। और जो नाइट में कपड़े मैंने धुले थे उसको मैंने बाहर लगा दिया है, क्योंकि बहुत धूप निकली है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। और यहाँ पे मेरे चिप्स हैं और आम का अचार जो मैंने डाला था उसको भी थोड़ा सा मैं धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि बारिश के समय में जो है हमारे ये सब आइटम जो है जल्दी से ख़राब होते हैं और उसमें वो सील जाते हैं। तो इस वजह से बस 2-3 घंटा मैं रखूँगी, उतने में वो सही हो जाएगा। और ये जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा मैं आगे करूँगी, क्योंकि धूप अब आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था। तो और उसके बाद जो है कपड़े शाम को मैं देखती हूँ लगाऊँगी, जब किचन वगैरह थोड़ा साफ ऑफ करूँगी तो ही लगा के फिर मैं उसको साफ करने जाऊँगी। उसके बाद जो है सुबह से जब से उठी हूँ तब से मुझे आराम नहीं मिला है और बस ये मेरा लास्ट वर्क है, उसके बाद मैं फिर बिस्तर पे अभी जाऊंगी बैठी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि और छोटे छोटे जो काम हो जा रह गए थे तो उसको अभी मैंने फिनिश किया। और चादर वगैरह जो हॉल का है वो मैंने मॉर्निंग में ही जब झाड़ू लगाई तभी बिछा दिया था, लेकिन वो तकिया का कवर वगैरह जो था तो उसको अभी लगा के उसको मैंने अरेंज किया। और अब तक के जो वर्क हैं सारे डन हो गए हैं। और आज नाश्ता करने में थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि जब बाबू का भी छुट्टी था तो इस वजह से धीरे धीरे सारे काम हुए। और अभी फ्री हो गई हूँ तो सोचा कि मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। और क्योंकि घर के काम जो होते हैं अगर हम अपने आप से उसको ख़त्म ना करें तो वो जो है ख़त्म नहीं होगा। और क्योंकि एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सारे वर्क जो है वो डन करके ही बैठती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो। लेकिन यही होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करके ही तब थोड़ा सा हम बिस्तर पे बैठें, नहीं तो चिंता लगी रहती है कि हम वो काम किए कि नहीं किए और फिर जो है वो डिले होता जाता है। तो जैसा आज मैंने कर दिया, क्योंकि छुट्टी की वजह से थोड़ा सा सुस्त काम हुआ लेकिन फाइनली अभी हो गया। और आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं देते हैं और मैं सबके जो वीडियो पे लाइक देती हूँ लेकिन जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं वो लाइक नहीं देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पे लाइक भी ज़रूर दे दिया करिए, ताकि जो मेरा इम्प्रेशन है वो अच्छा बना रहे, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना हम लोग थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग दौर है हम लोगों का, तो
थोड़ा सा एक दूसरे का सपोर्ट ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया विजिट कर रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और मेरी वीडियो आप देख पाएँ। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।